मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेफिक्रे। और यहाँ भी हम आए हुए हैं शर्क मॉल, और मॉल के जो बैक साइड पे जो सी फ्रंट है मैं वहाँ पर बैठा हूँ और मौसम का मज़ा ले रहा हूँ। और यहीं बैठे बैठे मज़े लेते हुए हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई जाए, और जो मोस्ट वेटिंग टॉपिक है उसके ऊपर कि व्हाट आर द फैक्टर्स वी नीड टू टेकन इन अकाउंट व्हाइल वी सेलेक्टिंग अ टूर ऑपरेटर। सो इस पे काफ़ी सारी मेरे पास मैसेज आए थे कि भाई कुवैत में काफ़ी सारे टूर ऑपरेटर्स हैं और कौन से टूर ऑपरेटर को सेलेक्ट किया जाए जब हम कोई पैकेज जमा लेना चाहते हैं। तो इस पे काफ़ी सारे क्राइटेरियाज है, तो आज हम उस क्राइटेरियाज पे बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं एक अच्छे टूर ऑपरेटर को सेलेक्ट करने के लिए। जो पहला फैक्टर है वो है लोकल प्रेजेंस। जो भी आप कोई टूर ऑपरेटर सेलेक्ट करना चाहते हैं उसका देखिए कि उसकी लोकल प्रेजेंस हो, जिससे कि आप कभी भी आपने अगर पैकेज ले रखा है और उस पैकेज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे कांटेक्ट कर पाए और वो भी जो प्रॉब्लम आई है वो जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर पाए। इसीलिए कहते हैं कि लोकल प्रेजेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आप कम्युनिकेट ही करते रह जाएंगे और काफ़ी टाइम आपका टूर का वेस्ट हो जाएगा। और हमारा दूसरा पॉइंट है एडिक्वेट नॉलेज, जिसका मतलब ये है कि जो आपका जो एजेंट है उसको जिस कंट्री का आप पैकेज ले रहे हैं उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, जो आपको गाइड कर पाए कि उस कंट्री में आपको कौन कौन सी सिटी आपके को विज़िट करनी चाहिए और कौन से सीज़न में जो सिटी आप विज़िट करने वाले हैं उसका कुछ बेनिफिट है या नहीं, और लोकल नॉलेज दे पाए जिस कंट्री में आप ट्रैवल करने वाले हैं उस कंट्री में किस तरीके की करेंसी चलेगी और करेंसी क्या लोकली लेके जानी है वहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं, होटल कैसे होने वाले हैं, क्या कैसे आपको टैक्सी यूज़ करनी है, कौन सा ऐप यूज़ करना है। तो काफ़ी ऐसी जो नो टू हाउ नॉलेजेस होती है वो एक ऑन हैंड आपको गाइड मिल जाती है अगर ये जो एजेंट होते हैं अगर इनको ये सब नॉलेज होती है, और इनके जो आपका जो लोकल एजेंट है उनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए जिन कंट्री के ये पैकेज बेच रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो जिस एजेंट के साथ इन्होंने टाई अप कर रखा है वहाँ पर उनके जो टाई अप्स हैं वो अच्छे लोकल एजेंट्स के साथ होने चाहिए। क्योंकि देखा गया है कई बारी हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर तो हमें अच्छी सर्विस मिलती है पर वहाँ पर जब हम जब लैंड कर जाते हैं तो वो एजेंट अप टू डेट नहीं होते, उनके पास इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती। सो ये चीज़ थी जो हम इस पॉइंट पे बोल रहे हैं। पॉइंट है ऑल इन वन प्लेटफॉर्म, इसका मतलब ये है कि जो हमारा एजेंट है जिसको आप जिसे पैकेज लेना चाह रहे हैं वो आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए, टूर आपका पैकेज बुक कर पाए, साथ पे साथ इंश्योरेंस, फ्लाइट टिकट्स बुक कर पाए, और इस टाइप की सारी जो सर्विसेज है वो उनके एक ही शॉप पे मिल पाए, आपको इधर उधर जाना ना पड़े और आपका टाइम वेस्ट ना हो। और अगर आप एक ही से करवाते हैं तो आप अच्छी बार्गेनिंग भी कर सकते हैं एंड यू विल गेट अ रियली गुड डील। और जो फोर्थ पॉइंट है उसमें हम कहना चाहते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी, और जो भी ये पैकेज दे रहे हैं वो वैल्यू ऑफ मनी होना चाहिए। डेफिनेटली आप को ये कंपेयर कर सकते हैं कि जो पैकेज में जो आपको सर्विसेज दी जा रही है और जो दूसरे एजेंट से दी जा रही है उनमें और इनमें काफ़ी ऐसा पॉइंट्स होने चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आप जस्टिफाई कर पाए कि ये जिस एजेंट को आपने सिलेक्ट कर रखा है वो कम पैसे में ज़्यादा सर्विसेज दे रहे हैं और उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सर्विस बेहतर है। अब हमारा पांचवा पॉइंट है ऑनेस्ट डील। भाई ऑनेस्ट डील से मतलब ये कहना चाहते हैं कि अज्यूम कीजिए कि अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं, ठीक है ना, और विंटर्स में जा रहे हैं और वहाँ विंटर्स में कोई ऑफ सीज़न प्लेस है लाइक बीच है और वहाँ पर कोई भी नहीं जाता, तो उस डील में उस स्पॉट को ऐड करना और आपको दिखाना कि भाई आपको एक सस्ता पैकेज बना दिया गया है, दिस इज़ नॉट ऑनेस्ट डील। भाई डील ऐसी होनी चाहिए कि जिस सीज़न में आप जा रहे हैं तो वहाँ की जो बेस्ट जगह है वो आपको बेस्ट प्राइस में दी जाए, जब भी ऐसे डील्स को ही ऑनेस्ट डील कहा जाता है। तो हमेशा जब भी आप एजेंट सेलेक्ट करें तो ज़रूर देखें कि जो आपका जो एजेंट्स जो आपको डील दे रहा है वो कौन से सीज़न में है और कौन कौन सी सिटीज़ और क्या क्या चीज़ें एक्टिविटीज़ कवर कर रहा है, वही चीज़ों को आप ध्यान में देखे करें। क्योंकि कई बारी जो ओवर सेलिंग कुछ एजेंट्स करते हैं जो चीज़ आपको चाहिए भी नहीं होती फालतू में उसको भी चेप देते हैं, तो ऐसे चीज़ों से बचें। और हमारा सिक्स पॉइंट है क्विक रिस्पांस। तो क्विक रिस्पांस से हमारा ये मतलब है कि जो आपका जो एजेंट है वो आपके रिस्पांस को
जल्दी जवाब दे पाए कि अगर जो भी आपकी क्यूरी है, जो भी आपके इश्यूज है, उसको जल्दी से जल्दी फिक्स कर पाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। एंड फीडबैक एंड रिकमेंडेशंस जो हमारा 7th पॉइंट है, इसके इस में हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप कोई टूर एंड ट्रैवल का पैकेज ले रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि जो कस्टमर्स उनसे पहले पैकेज ले सके हैं, उनसे फीडबैक लीजिए, बिकॉज जो उनसे तो फीडबैक होगा, दैट विल बी अ जेन्युइन फीडबैक। उससे पता लगेगा कि ये पहले जो लोग गए थे, इस पैकेज का क्या प्राइस था और पैकेज में क्या क्या इंक्लूड किया था एंड टाइप ऑफ द होटल्स क्या थे। बिकॉज कई बार क्या कहा जाता है, पैकेज में जो होटल की रेटिंग ज़्यादा कर रखी होती है, बट जो फिजिकली जब आप जाते हैं तो वो उस टाइप के रेटिंग के होटल नहीं होते, मे बी ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं होता, और ट्रैवलिंग के टाइम पे भी जो गाड़ी हम लोगों को बोल रखी होती है उस टाइप की कार भी नहीं होती और शैबिश कार मिलती है। तो इसीलिए अगर आप फीडबैक लेते हैं उन कस्टमर से जो उनकी सर्विसेज यूज़ कर पाए हैं, तो आपको एक जेन्युइन फीडबैक मिलता है और आपको एक पहले से पता लग जाता है कि इनके पैकेजेस कैसे होने वाले हैं। और हमारा जो 8th पॉइंट है वो है इंफॉर्मेटिव एंड इंगेजमेंट ऑन सोशल मीडिया। इससे हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी आप ट्रैवल एजेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और कनेक्ट करा है, जिनके बारे में आपको पता है, और एक बारी आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी चेक कर ले और देख ले कि वहाँ पर वो लोग क्या क्या सर्विसेज और क्या क्या पैकेजेस दे रहे हैं, जिससे कि आपको पता लग जाए कि जो उनके पैकेजेस है वो कितनी जल्दी जल्दी अपडेट हो रहे हैं और उनके पास कितनी लाइक पैकेजेस है जो हर एक महीने वो लोग अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर रहे हैं। तो उसे पता लग जाता है साइज़ ऑफ आपके टूर एजेंट का और पता लग जाता है कि कौन कौन से वो सेक्टर्स को कवर कर रहे हैं। सो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। और सोशल मीडिया आजकल सब लोगों के पास है, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप यहाँ से जाके उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। एंड हमारा 9th पॉइंट है वो है स्ट्रीमलाइन प्रोसेसिंग। सो स्ट्रीमलाइन प्रोसेसिंग से हमारा मतलब ये है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये आपसे सारे ले, लाइक जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वीज़ा को प्रोसेस करने के लिए, होटल बुकिंग के लिए, जो भी वो आपसे ले और आपका जो प्रोसेस है वो सिस्टमेटिक करे, आपको इधर उधर भागना ना पड़े, ठीक है। और जो भी इन्हें करना है, जो वो जो आपका एजेंट भाग दौड़ करे, बिकॉज आप लोग डेफिनेटली एक वैल्यूबल अमाउंट उनको दे रहे हैं और एक अच्छा पैसा दे रहे हैं, तो वो सारा सर्विस उनको सही से प्रोवाइड करनी चाहिए। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ लाइक कि जो भी जो पैकेजेस दिए जा रहे हैं अपने कस्टमर को, तो उस वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। और जो क्लाइंट है, जो हम लोग हैं, जो पैकेज ले रहे हैं, जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर हमें लगना चाहिए कि भाई हमने कुछ लिया है, सेटिस्फाई है जितना भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जो भी कोई आप ट्रैवल एजेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, इस टाइप का करें, बिकॉज एक जो ट्रस्ट है, अगर कोई जो ट्रैवल एजेंट है जो अगर आपके साथ डेफिनेटली एक अच्छा रिलेशनशिप, एक ट्रस्ट क्रिएट कर देता है, तो जो आने वाले जितने भी आप जब भी प्लान करते हैं, आप उन्हीं के पास जाएंगे और वहीं से ही पैकेज लेके। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे ट्रैवल एजेंट को सिलेक्ट करें जो आपको मैक्सिमम वैल्यू दे आपके इन्वेस्टेड मनी पे जो आप यूज़ करने वाले। और दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और हो सकता है कि आप लोग भी जब सेलेक्ट कर रहे हो अपने लिए कोई टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स, तो ये पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हमेशा ये ध्यान रखें कि जो भी आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं कोई भी ट्रैवल पे, ये आपका हार्ड हर्ड मनी है, सो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स तो मिलना ही चाहिए। और बाज़ार में काफ़ी सारे टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स हैं, कुवैत में भी और कुवैत से बाहर भी, आप कोई से भी ट्रैवल एजेंट बुक कीजिए, बट इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो और ये जो पॉइंट्स हैं जो बताए गए हैं और आपके कुछ भी काम आए, तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, तो आप लाइक कीजिए। और अगर मेरे चैनल को आप देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले कोई भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ आपको करना क्या है, हमें फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे, जहां हमारी नई नई रील्स और स्टोरी आपको मिलती रहेगी। सो पीछे का जो नज़ारा बहुत ही अच्छा है, और हम आए हैं शर्क मॉल, माहौल में जो है माहौल भी बहुत अच्छा है। तो अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपको कोई बढ़िया सी अच्छी सी वीडियो पे। बाय।